गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद बिनोशन। मित्रों, एग्रीकल्चर स्टडी विद बिनोशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो क्रांतियाँ हैं, क्रांतियाँ कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ये आज पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। क्रांतियों से संबंधित आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अभी हाल ही में पुलिस का एग्जाम हुआ था, पुलिस के चार पालियों में एग्जाम हुआ था, चारों पालियों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि मैंने देखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांतियां। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्रांतियों की शुरुआत की। अगर बात करें तो क्रांतियों की शुरुआत ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति से हुई थी। सबसे पहले हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द जो दिया था, ये दिया था विलियम गॉर्डन। विलियम गॉर्डन ने ये शब्द दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता, क्रांतियों की आवश्यकता क्यों हुई, फसलों का अच्छा उत्पादन मिल सके। फसलों का पहले की अगर हम बात करें तो पहले जो वैरायटियां थी फसलों की वो लंबी थी, उत्पादन कम था। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए ड्वार्फिंग जीन डेवलप किए जिसके द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जिसके द्वारा उत्पादन बढ़ गया और उनकी हाइट कम हो गई। तो पहला जो ड्वार्फिंग जीन था, अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, इसमें सबसे पहला जो जीन था वो था Norrin 10। ये गेहूं का पहला ड्वार्फिंग जीन था, इसके क्रांति की शुरुआत हुई। और हम बात करें क्रांति की तो सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन विश्व में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। बोरलॉग जो थे प्लांट पैथोलॉजिस्ट, ये यूएसए में प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, प्लांट पैथोलॉजी के वैज्ञानिक थे। इन्हें फादर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन की, यहाँ से क्रांतियों की शुरुआत होती है। तो डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग के द्वारा जब ये क्रांतियों की शुरुआत हुई, Norrin 10 जो जीन था वो डेवलप, ड्वार्फिंग जीन कर दिया गया। इसके बाद उत्पादन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए, उत्पादन बढ़ गया। फसलों का उत्पादन बढ़ने के कारण डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग को नोबेल प्राइज इन 1970 में डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। शांति के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सम्मान होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल.ई. बोरलॉग को शांति का पुरस्कार मिला। और जो परिवर्तन ये स्टार्टिंग की गई डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन में अगर हम बात करें तो अगर हम भारतीय हरित क्रांति की बात करें तो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भारतीय हरित क्रांति, भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन 1963 में अमेरिका गए और अमेरिका से गेहूं की कुछ ड्वार्फिंग जीन की प्रजातियां लेकर आए और जिन्होंने भारत में अप्लाई किया, कल्टीवेशन करवाया और इसके बाद भारत के जो उत्पादन था उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए।
अगर हम बात करें 1963 में, 1963 में कल्याण सोना सोनालिका ये वैरायटी अमेरिका के द्वारा लाई गई और इसके द्वारा भारत में एक नए की शुरुआत हो गई और उत्पादन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया। पहले भारत के भारतीय उत्पादन बहुत निम्न स्तर पर था, वैरायटियां बड़ी होती थी, उत्पादन कम मिलता था। इसके बाद वैरायटी छोटी हो गई, फसल की हाइट छोटी हो गई, उत्पादन में ग्रोथ हो गई, उत्पादन में बदलाव आ गया। इसी को देखते हुए FAO means Food and Agriculture Organization Food and Agriculture Organization के द्वारा Food and Agriculture Organization की स्थापना 1945 में हुई थी। ये UFA का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार, जिसका नाम, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार। तो वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार 1987 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिला। हाल ही में भारतीय सरकार ने भी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की भी घोषणा की है। यानी अब डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत रत्न हो गए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा, ऐसा भी भारतीय सरकार ने घोषणा की है। तो अगर प्रश्न जो पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं, वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एनी बोरला, और भारतीय हरित क्रांति के जनक बात करें तो भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं और विश्व के डॉक्टर एन ई बोरला हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड ये किससे संबंधित है, तो फसलों उत्पादन से, क्रॉप प्रोडक्शन से, ये रिलेटेड विद क्रॉप प्रोडक्शन, यानी हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है, हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद हम बात करें तो आती है एलो रिवॉल्यूशन मीन्स पीली क्रांति। पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तिलहन उत्पादन से, तिलहनी फसलों के उत्पादन से, मीन्स वायर एलो रिवॉल्यूशन तिलहनी फसलों के उत्पादन से। तो अगर बात करी जाए कि एलो रिवॉल्यूशन किस संबंधित, तो एलो रिवॉल्यूशन का मतलब है तिलहनी फसलों के, ऑयलसीड क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स तिलहनी फसलों के उत्पादन से एलो रिवॉल्यूशन का संबंध है। इसके बाद हम बात करें एलो रिवॉल्यूशन हो गया, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है फिश प्रोडक्शन से, मींस
नीली क्रांति का संबंध है, जो भी आया भी था ये प्रश्न पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, नीली क्रांति का संबंध है नीली क्रांति का संबंध है तो ये मछली उत्पादन से है, मींस ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन। अगली क्रांति की बात करें तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन मींस श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन मींस दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। इसके जो फादर्स ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर्स ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये एक्स चेयरमैन भी रहे हैं, एक्स चेयरमैन NDDV आनंदम गुजरात, आनंदम गुजरात, ये आनंदम गुजरात NDDV नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसके चेयरमैन रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद हम बात करें गोल्डन क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन मींस सुनहरी क्रांति, इसका संबंध है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड हनी मींस, हॉर्टिकल्चर मींस फल वाली, फल वाली फसलों के उत्पादन से और शहद इसके उत्पादन से गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध है। गोल्डन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं, फादर्स ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन डॉक्टर के एल चड्डा, डॉक्टर के एल चड्डा, डॉक्टर के एल चड्डा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगली बात करें पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन मींस गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, इसका संबंध जो है पिंक रिवॉल्यूशन मींस गुलाबी, और गुलाबी की बात करें तो इसका संबंध है मीट से, मीट प्रोडक्शन, मीट के प्रोडक्शन से। तो अगर आपको ये पूछता है पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध है, तो पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध है मांस उत्पादन से, मांस उत्पादन से। इसके बाद हम बात करें पिंक, पिंक हो गई, पिंक का हो गया, इसके बाद ब्लैक, ब्लैक रिवॉल्यूशन इसकी बात करें, ब्लैक मींस काली, काली क्रांति जैसा कि नाम में है इंगित है, तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, मींस जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है कि काली क्रांति किससे संबंधित है तो पेट्रोलियम से पेट्रोलियम उत्पादन से।
इसके बाद राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन मींस गोल क्रांति, मींस गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन या गोल क्रांति, इसका संबंध है पोटैटो उत्पादन, पोटैटो प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन, आलू उत्पादन। तो मतलब राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध आलू के उत्पादन से, पोटैटो प्रोडक्शन से है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध की बात करें तो इसका है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। मींस फर्टिलाइजर के उत्पादन से संबंधित है ग्रे। इसके बाद बात करें एलो, एलो रिवॉल्यूशन मींस पीली क्रांति, पीली क्रांति की बात करें, पीली क्रांति जो संबंध है, पीली क्रांति का संबंध है ऑयल सीड प्रोडक्शन से, मींस तिलहनी फसलों के उत्पादन से। उत्पादन से इसके बाद बात करें तो सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो रिलेशन है सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन का है मींस एग प्रोडक्शन से, मींस सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध अंडों के उत्पादन से है, अंडों के उत्पादन में वृद्धि से है। अब इस सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध, ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है। दूसरा है सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन मींस सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब है कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन मींस कपास के उत्पादन से, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन का, सिल्वर रिवॉल्यूशन का एग उत्पादन से, एंडो के उत्पादन से, और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इसका संबंध कपास के उत्पादन से है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न, ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें अगली, ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन मींस भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति की बात करें तो इसका संबंध है लेदर उत्पादन से, लेदर के उत्पादन से ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध है। इसके बाद हमने अभी आपको इससे पहले पढ़ाई थी गोल्डन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद हॉर्टिकल्चर एंड हनी से थी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। और अगर आप गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एक साथ करा के क्लियर कर देता हूं। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो संबंध होगा, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का जो संबंध होगा वो होगा, तो गोल्डन फाइबर का जो संबंध होगा वो होगा जूट उत्पादन से, जूट प्रोडक्शन से, जूट के उत्पादन से, जूट के उत्पादन से।
तो ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसका बागवानी से है, गोल्डन का संबंध बागवानी से है, मीन्स सुनहरी का, सुनहरी बागवानी और शहद से है, शहद से संबंधित है। और गोल्डन फाइबर की बात करें, सुनहरी फाइबर क्रांति की बात करें, तो वह जूट के उत्पादन से। तो आज जितनी भी क्रांतियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ये सारी क्रांतियां कंप्लीट हो गई। मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे जो साथी हैं कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें शेयर करें, उनसे शेयर करने के लिए कहें। निश्चित तौर पर मैं ये आपको वादा करता हूँ, क्रांतियां इससे बाहर कोई नहीं आएंगी। इतनी ही क्रांति पेपरों में पूछी जाती हैं, वो जितनी क्रांति पेपरों में आप लोगों से पूछी जाती हैं, वो सारी क्रांतियां सॉल्व कर दी गई हैं, बता दी गई हैं। एक एक क्रांति के बारे में डिटेल से डिस्कस हो गया होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।